रूल नंबर वन तो यही है, जब भी आप किसी बर्ड सेंचुरी में जाओगे तो सनराइज़ से पहले आपको सेंचुरी के अंदर पहुंच जाना है। अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, सुबह के 6:30 हुए हैं, अभी सनराइज़ हुआ नहीं है, बस होने ही वाला है। और मैं अपनी ये साइकिल से सेंचुरी में आ गया हूँ। अभी मेरे पीछे ये लोग हैं और आगे भी ज़्यादा अभी लोग पहुँचे नहीं हैं यहाँ पर। अभी टारगेट है सेंचुरी के एकदम लास्ट तक पहुँचना, के ब्लॉक और एल ब्लॉक है उधर, उधर तक पहुँचना है सनराइज़ के समय। वो जो सेक्शन है वो क्रेन, आइबिस और डक्स का है, उधर डक्स बहुत सारे लास्ट में ही हैं। तो वो ये सारे बर्ड्स सुबह सनराइज़ के टाइम पे उठते हैं, घोंसलों से बाहर आते हैं और जो भी अपना खेल खेलते हैं, तो वो देखना है मुझे, इसलिए सीधा सबसे लास्ट में पहुंचूंगा पहले, बाद में बाकी सेक्शंस देखेंगे। इस सेंचुरी में घूमने के लिए 4 या 5 साधन हैं। सबसे पहले आप पैदल वॉक कर सकते हो, बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है, वॉकिंग ट्रेल बहुत अच्छी है, सुंदर है। बट इसमें नुकसान ये है कि उसमें सिर्फ आप वॉक ही कर सकते हो, क्योंकि वन वे करीब 5 किलोमीटर पड़ता है, तो 5 किलोमीटर जाना आना थोड़ा हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जब तक आप लोग 5 किलोमीटर चल के लास्ट तक पहुँचोगे, तब तक बर्ड्स वापस जा चुके होंगे। थोड़ी सी धूप तेज होती है करीब 10 से 11 बजे, तो बर्ड्स जो हैं वापस चले जाते हैं, अपने पेड़ों में छुप जाते हैं, इधर उधर बैठ जाते हैं, तो उतनी अच्छी बर्ड वॉचिंग नहीं होती है। कन्वीनियंट और बढ़िया साधन है ये, साइकिल हायर कर लेना है, गेट एंट्री गेट पर ही साइकिल मिलती है, फर्स्ट 3 आवर्स के 50 रुपये लगते हैं इसके, और फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं। ये बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा तब होगा जब आपको बर्ड्स की अच्छी नॉलेज है, स्पॉट्स कहाँ पर मिलते हैं, बर्ड्स कहाँ मिलते हैं, स्पॉट्स की नॉलेज है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, आप आराम से सारी बर्ड वॉचिंग देख कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप रिक्शा हायर कर सकते हैं, साइकिल रिक्शा, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, अगर बजट अलाउ कर सकते तो आप कर सकते हो, 1 घंटे का 150 रुपया चार्ज है उसका। उसमें फ़ायदा ये है कि जो रिक्शा चालक होते हैं उनको यहाँ की बहुत अच्छी जानकारी है, और वो आपको काफ़ी बर्ड्स के बारे में बहुत डिटेल में बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं। उसके अलावा तांगे भी चलते हैं और बैटरी कार भी चलती है, उनका प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम है, तो मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों के लिए साइकिल हायर करने को। सामने का व्यू है, अभी यहाँ पर कोई भी जो है टूरिस्ट पहुँचा नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्ट साइकिल लेते ही एकदम लास्ट तक आ गया हूँ। वापसी में मैं कुछ स्पोर्ट्स देखूँगा यहाँ पर ये स्पोर्ट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो मुझे जाना है एकदम लास्ट में। और ये बहुत सुंदर व्यू है इस समय मॉर्निंग का, फोगी मॉर्निंग, हल्की फोगी है।
है कि अगर आप बर्ड्स को काफ़ी अच्छे से और डिटेल में देखना चाहते हैं, स्पॉट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ एक बहुत अच्छी क्वालिटी की बाइनोकुलर लेके आनी है जो क्लियर हो, जिसके लेंस पे स्क्रैचेस ना हो। ये बहुत मैंडेटरी चीज़ है। और कैमरा तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है तो। इसके अलावा पानी की बोतल अपनी एक लेके आनी है और गॉगल्स लेके आने हैं, क्योंकि जब धूप तेज़ होती है तो कई बार बर्ड्स इस डायरेक्शन में होते हैं, सन की डायरेक्शन में ही होते हैं, तो वहाँ पर आप उनको अच्छे से स्पॉट नहीं कर पाओगे। इसलिए जो है आपके पास बाइनोकुलर और गॉगल्स दोनों होने चाहिए बढ़िया क्वालिटी के। तो अगर आपको नेशनल पार्क के बारे में जानना है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक यही बोर्ड है जो आप देख सकते हैं। ये केवलादेव नेशनल पार्क जब बर्ड सेंचुरी के बिल्कुल एंड में लगा हुआ है, और इसमें इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है कब कैसे क्या स्टार्ट हुआ। इसमें एक मेजर चीज़ जो यहाँ पर लिखी है, 1938 में एक ही दिन में यहाँ पर 4273 यानी कि लगभग 4500 बर्ड्स एक ही दिन में मारे गए थे। एक्चुअली ये शूटिंग रेंज थी, पहले ये डियर शूटिंग रेंज थी, फिर इसको डक शूटिंग रेंज भी बनाया गया, रिजर्व डक शूटिंग रिजर्व, और फिर बर्ड्स शूटिंग रिजर्व भी बनाया गया। तो इसमें
4,500 बर्ड्स एक ही दिन में मारे गए थे सन 1938 में। फिर 1981 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला और 1985 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। तो आज हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये वाकई बहुत खूबसूरत है। ज़्यादातर बर्ड्स की मैंने कोशिश करी है कि सही जानकारी आपको दूँ, फिर भी अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो अपना फीडबैक दीजिए मुझे, कमेंट में बताइए कौन से बर्ड में मैंने नाम वगैरह गलत टाइप लिखा है ताकि उसको आगे सुधार कर सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, आगे आप लोगों को ऐसी ही अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।